इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कानपुर के नवस्ता में कामतगिरी महाराज सेवा समिति व माँ पितामरा परिवार के द्वारा विशाल प्रसाद वितरण व खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संरक्षक विवेक मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम कराने का उद्देश्य यही रहता है कि आपसी भाईचारा व क्षेत्र में सभी लोग प्रेम व्यवहार से रहें, और उन्होंने बताया कि भंडारे का कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है, जो कि भंडारे का कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक भारी तादाद में चलता है। हजारों की तादाद में लोगों ने प्रसाद और खिचड़ी का आनंद लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भूपेश अवस्थी, रोहित अवस्थी एडवोकेट, ऋषभ अवस्थी एडवोकेट, कल्लू तिवारी उपस्थित रहे। कमेटी के संरक्षक विवेक मिश्रा, अध्यक्ष मनोज शुक्ला, सचिव मुन्ना यादव, महामंत्री नीरज द्विवेदी, प्रचार मंत्री संजय कुशवाहा, मीडिया प्रभारी मनीष कुशवाहा, कोषाध्यक्ष दीपू गुप्ता, सचिन अवस्थी, लल्ला मिश्रा, हिमांशु राजा तिवारी, सत्यम शुक्ला, सोनू पांडे, मनीष शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। कामतगिरी महाराज सेवा समिति के द्वारा आज यहाँ पर भंडारा किया गया है और कामतगिरी का प्रसाद घर घर पहुँचाने की कोशिश की गई। प्रतिवर्ष अमावस्या के दिन कामतगिरी की परिक्रमा के बाद वहाँ भंडारा किया जाता है, वहाँ प्रसाद वितरण किया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पर आकर लोगों को घर घर प्रसाद पहुँचाने प्रक्रिया के तहत सारे लोगों का को यहाँ पर जो प्रसाद वहाँ से कावड़ लेने आता है उसको सबके घरों में पहुँचाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ भंडारा किया जाता है कि अमावस्या के दूसरे दिन यहाँ पर बताइए कि एक संस्था इनकी करा रही है बहुत लंबे समय से, और ये बहुत अच्छा संदेश है समाज के लिए। यहाँ रहते हैं जिस वर्ग से संबंधित होता है नहीं जाकर समय लगा दें, सबको घर घर प्रसाद पहुँचाया जाता है और एक बड़ा भंडारा यहाँ पर पूरे दिन संस्था पूर्ण रूप से कामतगिरी, जैसा आपने नाम देखा कामतगिरी सेवा समिति है, तो निश्चित रूप से ये संस्था और कामतगिरी की सेवा से जुड़ी है। और कामतगिरी का एक संदेश है भगवान राम का नाथ का एक संदेश है कि समाज में हर वर्ग को लेकर चलना। आपने देखा होगा कि भगवान राम ने जब अपने लंका पर आक्रमण करने के लिए और रावण को जीतने के लिए जो सेना बनाई उसमें सारे लोग सम्मिलित थे, जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग थे, लोग थे और समाज के ऐसे लोग थे जिनको कोई पूछता ही नहीं, उन सारे लोगों को मिलाकर उन्होंने सेना बनाई और उसके माध्यम से उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। वो जब चाहते थे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, पूरे विश्व में उनके राजा उनकी मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने किसी की मदद नहीं की, स्वयं अपने लोगों के साथ मिलकर सेना बनाई और उन्होंने आक्रमण किया और रावण विजय प्राप्त की। ये संदेश देता है कि समाज का हर वर्ग में प्रतिभाएं हैं, वो हर वर्ग समाज के लिए कुछ कर सकता है, हो सकता है उसको अवसर मिलना चाहिए और अवसर देकर ये भगवान ने किया उसी परंपरा के तहत। विवेक मिश्रा जी जो ज़्यादा सियासी है उसके द्वारा भंडारा के चलाया जाता है। मैं कहता हूँ कि सभी चेतीजन विवेक मिश्रा से ज़्यादा सहयोग मैं शहर वाले को देख रहता हूँ कि यहाँ पर हर सौहार्द हर भाईचारा को एकता की मिसाल है, हम सब एक हैं ये वाला ये कार्यक्रम है। ये कामतगिरी सेवा संस्था द्वारा व गायत्री परिवार द्वारा एक कार्यक्रम माँ पीताम्बरा परिवार द्वारा एक खिचड़ी भोज का वितरण किया जाता है हर वर्ष, और इस खिचड़ी भोज की विशालता यह है कि प्रातःकालीन 8 बजे से प्रारंभ होकर साया सूर्यास्त तक ये चलता है और हर वर्ष चलता है, और ये इस क्षेत्र का बहुत ही जाना माना हुआ एक प्रसाद वितरण समारोह होता है। क्या उद्देश्य रहता है इसका? मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि हम सभी लोग आपसी भाईचारे को तैनात करते हुए हर पेट भोजन पा सकें और माँ पीताम्बरा की सेवा इसी तरह। गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या शहरवासियों को? गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहरवासियों से बनाना बताना चाहेंगे कि अफवाहों पर मत ध्यान दें और CA का विरोध ना करें, भारत एक संगठित राष्ट्र है उसको बनाने में महत्वपूर्ण मदद करें। धन्यवाद।